अडानी ग्रुप का केस लड़ेगी अमेरिका की प्रसिद्ध लीगल कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ, आर पार के मोड में अडानी। नमस्कार दोस्तों, गौतम अडानी की कंपनी ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च में किए गए दावों के खिलाफ लड़ने के लिए वॉल स्ट्रीट की बड़ी लॉ फर्मों में से एक वॉचटेल को हायर किया है। यह चर्चित और विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। दोस्तों आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च में बीते महीने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें उसने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना के अगले दिन ही अडानी ग्रुप शेयर के भयानक रूप से शेयर गिरने शुरू हो गए। कंपनी का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर घट गया। गौतम अडानी सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 सूची से भी बाहर हो गए। अब ऐसी खबर है कि गौतम अडानी इस शॉर्ट सेलर कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के मूड में आ गए हैं। इसके लिए अडानी ग्रुप अमेरिका की एक बड़ी लॉ फर्म को हायर किया है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की कंपनी ने एक्टिविज्म डिफेंस लॉ फर्म वॉचटेल लिप्टन रोसेन एंड कॉस से संपर्क किया है। हालांकि ईटी ने स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। तो आपको बता दें, वॉचटेल चर्चित और विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई के लिए मशहूर है। इस कंपनी ने 44 बिलियन डॉलर के चर्चित ट्विटर टेकओवर मामले में एलन मस्क के तरफ से केस की पैरवी की थी। दरअसल हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी एक्शन को लेकर अडानी ग्रुप अपने निवेशकों को कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर आश्वस्त करना चाहते हैं और उनका भरोसा जीतना चाहते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी दो याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रही है। एडवोकेट एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के कारण देश की छवि धूमिल होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। वहीं शर्मा की याचिका में दावा किया गया है कि रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया है और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन ने भी भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे हैं। अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं पहले से। आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन, शेयर की ओवर प्राइजिंग और अकाउंट में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, अडानी ग्रुप अपनी उन स्कीमों को प्रमोट करने के लिए शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रही थी, जो कि एक फ्रॉड कहा जाता है। इस रिपोर्ट में अडानी कंपनियों ने 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड बताया। फर्म के दावे के मुताबिक ये कंपनियां कर्जे में डूबी हुई हैं, उनकी वजह से ग्रुप पर भी संकट है। इसके साथ ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां कई वर्षों से स्टॉक में हेर फेर कर रही हैं। तो दूसरी तरफ अडानी ने इस आरोपों को बताया झूठा। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके जवाब में गौतम अडानी ने समूह में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप में 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा गया कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रुप ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट के असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे को लेकर नया बाजार तैयार करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिरिल अमरचंद मंगलदास फर्म ने अमेरिकी फर्म वॉचटेल से संपर्क किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।